हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। जो अपने पेपर स्टार्ट किया था मार्च अप्रैल 2020 का, ठीक है, मतलब 2020 का जो पेपर स्टार्ट किया था उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन जो कैश बजट का था वो ओके। और आज जो है वो फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है। तो देखो, सिंपल सा बुक्स में से एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा था, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन पूछा था। सेम क्वेश्चन बुक्स का है, थोड़ा सा चेंजेस किया था, ठीक है। तो देखो क्या चेंजेस है बुक्स के क्वेश्चन में और इसमें। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या पहले डेटा अवेलेबल है, एक अविचल कंपनी करके कुछ है, उसका 80% और 100% का डेटा आपके पास अवेलेबल है। मतलब देखो, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस, मतलब ये तीन तो समझ लो कि वेरिएबल एक्सपेंसेस ही है, मतलब ये तीन तो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस में कवर हो जाएंगे, ये वेरिएबल होगा ओके। क्योंकि देखो तीनों एक्सपेंस के आगे मतलब आपको डायरेक्टली बता दिया है कि ये जो वेरिएबल ही होना चाहिए, और जो इस टाइप के एक्सपेंस होते हैं डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस, उसका मतलब ये सीधा वेरिएबल ही होगा। मतलब जितना यूनिट्स ज़्यादा बनाओगे उसके हिसाब से ज़्यादा चार्जेस लगेगा। अब देखो आगे यहाँ पर आपको कुछ नीचे डेटा में देखो क्या लिखा है, 50% लेवल, ठीक है, 50% लेवल द टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्शन इज 5 लाख, ऑल टाइप ऑफ फिक्स ओवरहेड इंक्लूड इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर इंक्रीज बाई 20% ओनली आफ्टर 75% लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये किसकी बात बोली है, ओनली सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात बोली है, कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो भी कुछ है उसके अंदर जो फिक्स ओवरहेड का पार्ट है, देखो फिक्स ओवरहेड इंक्लूड इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, उसको बोला गया कि 20% इंक्रीज होगा आफ्टर 75% लेवल, ठीक है। और यहां पर बोला इट इज एस्टिमेटेड डेट इफ अ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 5% आफ्टर 50% लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड द कंपनी कैन इंक्रीज इट सेल्स वॉल्यूम, हैंस द कंपनी कैन वर्क 50% 60% एंड 75% लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और आपको फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना है 50, 60 और 75% लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, और फाइंड आउट करना है अपना प्रॉफिट की वैल्यू, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ लिया हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको यूनिट्स दे रखे, कहीं पर भी नहीं, यूनिट्स कहीं पर भी नहीं, तो सीधा डायरेक्ट आप जाओ परसेंटेज के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो। यूनिट्स है ही नहीं, और यूनिट्स नहीं है तो आप डायरेक्ट परसेंटेज के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप यूनिट्स के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हो, परसेंटेज के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर दोनों होता है तो फिर कोई बात नहीं, आप कैसे भी सॉल्यूशन कर सकते हो। अब यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज है तो हम परसेंटेज बेस पे आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जिसकी बात बोली गई है, देखो आपके पास 80 और 100% का सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, 80% के लिए और 100% के लिए सब कुछ अवेलेबल। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि देखो आपको 100% का आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है, जैसे कि देखो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल ओके, फिर यहाँ पर वेजेस ओके। अब आपको इसके आंसर 100% के तो दे रखी है आपको, मतलब देखो 100% पर आपका जो मटेरियल का एक्सपेंडिचर था वो कितना हो रहा था, देखो 1,60,000, 100% रुपीस 1,60,000 एक्सपेंडिचर हो रहा था। और आपको 80% का अगर ढूंढना है तो ढूंढ भी सकते हो, वैसे तो दिया है, बस एक बार चेक कर लो। देखो 1,60,000 का 80% कर लो, क्योंकि इसका आंसर आपको देखो क्या आंसर आ रहा है, 1,60,000 का 80% 1,28,000 रुपीज आना चाहिए, और एग्जैक्टली आपका इतना ही अमाउंट आ रहा है देखो। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो वेरिएबल होगा, फुल्ली वेरिएबल होगा,
ठीक है, अब आपको देखो कौन सा बजट बनाना, आपको बना देना है 50 का, आपको 60 और आपको 75%। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर 75% का भी मटेरियल निकाल लेता हूँ, 60% का भी निकाल लेता हूँ और 50% का भी निकाल लेता हूँ, हो गया काम। ठीक है, 100% का डेटा अगर आपके पास है तो फिर तो बहुत इजी काम हो गया। 1,60,000 को आप 75% कर लो, फिर यहां पर 1,60,000 उसको आप 60% कर लो, और यहां पर 1,60,000 और उसको आप 50% कर लो। ठीक है, आपको तीनों तीन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रुपीज वाइज। ठीक है, ये आपका 80,000 आ जाएगा। ओके, 1,60,000 का 75% करते हो तो 1,20,000 मिल जाएगा। 60% करोगे तो आपको 96,000 मिल जाएगा, और 50% करते हो तो आपको 80,000 मिल जाएगा, हो गया। और इस तीनों तीन वैल्यू को आप यहां पर लिख सकते हो। देखो, फ्लेक्सिबल बजट पहले से हमने बना के रखा है 50% पे, 60% पे और 75% पे। तो आप यहां पर लिख सकते हो मटेरियल कितना था आपके पास, 50% पर 80,000 वैल्यू आई थी, ठीक है, 75% पर 1,20,000 वैल्यू आई थी, और यहां पर 96,000 वैल्यू आई थी। अब देखो क्वेश्चन में आपके पास यूनिट्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी यूनिट्स अवेलेबल ही नहीं है। तो यूनिट्स वाला डेटा जो है वो आपको मतलब कुछ काम नहीं आने वाला, वो आप मत बनाओ, चलेगा। ठीक है, यूनिट्स है ही नहीं तो कैसे बनाओगे। ठीक है, यूनिट्स कहीं ना कहीं कोई एक लेवल पर भी दे देते ना तो आप बाकी के लेवल पे ढूंढ सकते थे, मतलब कोई भी एक लेवल का यूनिट्स होना चाहिए तभी जाके आप बाकी के लेवल के यूनिट्स आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर तो कोई भी लेवल का यूनिट्स नहीं है, तो आप बस यूनिट्स को छोड़ दो, सिर्फ आप अमाउंट को पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अब ऐसे ही सीधा वेरिएबल ओवरहेड मतलब वेजेस के हिसाब से भी बात कर सकते हैं। देखो 100% का एक्सपेंसेस कितना था, तो 100% का जो वेजेस है वो 2 लाख है। ठीक है, तो आपको यहां पर 100% का वेजेस है 2 लाख। अभी आपको 80% का भी चेक कर लेना है, 75% का भी चेक कर लेना, 60% का भी चेक कर लेना और 50% का भी चेक कर लेना। ठीक है, तो यहां पर अगर इसका आप 80% करते हो 2 लाख का, ठीक है, 2 लैक्स का अगर 80% करते हो तो 1,60,000 आपका आंसर आ जाएगा, और एग्जैक्टली आपका यहां पर 160 आ रहा है। देखो 80% पे 160 हो रहा है, मतलब ये वेरिएबल होगा तभी जाके ये डायरेक्टली मैच हो जाएगा, वरना नहीं होगा। आप देखो फैक्ट्री ओवरहेड में ट्राई करके देख लेना, नहीं होगा। ठीक है, ऑफिस में भी ट्राई करके देख लो, नहीं होगा। सेलिंग ओवरहेड में भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो सेमी वेरिएबल होगा, यहां पर आपका दोनों एक्सपेंसेस मिक्स होगा, फिक्स और वेरिएबल। ठीक है, चलो बाकी का मतलब आप निकाल सकते हो। यहां पर 2 लैक्स के 75% अमाउंट कितना आने वाला है, 1,50,000 आने वाला है, और 2 लैक्स का 60% अमाउंट 1,20,000 आने वाला है, और यहां पर 2 लैक्स का 50% अमाउंट, ओके, ये आ जाएगा 1 लाख। बस अब ये तीनों अमाउंट आप एक साथ लिख दो, 1 लाख आ रहा है, 120 आ रहा है और 150 आ रहा है, मतलब यहां पर 1 लैक्स, ठीक है, 120 और यहां पर 150, ओके, और यहां पर लिख देंगे डायरेक्ट वेजेस, ओके। और एक लास्ट है, ओके, वो भी तो आपका वेरिएबल ओवरहेड है। तो देखो यहां पर कितना है, 80,000, 80,000 है आपका 100% लेवल का, तो उसको भी अगर कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपके पास 100% का एक्सपेंस जो है वो 80,000 रुपीज है। तो 80% का एक्सपेंसेस जो है वो कितना आने वाला है, तो 80,000 को 80% से मल्टीप्लाई कर दो, 64,000 आना चाहिए।
और आपका यहाँ पर 64 ही आ रहा है, देखो ठीक है, आपका यहाँ पर 64 ही आ रहा था, और बाकी का 75, 60% और 50% के हिसाब से क्या आना चाहिए वो। तो 80,000 का 75% कर लो, 80,000 का ही आप 60% कर लो, और 80,000 का ही आप 50% कर लो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, आपके पास ऑलरेडी 100% का डेटा है, उसका ही ऐसे करना है, ठीक है। अगर आपके पास 80% है, मतलब 100% का अगर आपके पास अमाउंट है 80,000, तो आप उसको इस तरीके से डायरेक्टली सारे आंसर निकाल सकते हो। अगर आपके पास 100% का नहीं है वेरिएबल कॉस्ट, तो पहले 100% का निकालते थे हम, फिर जाके आप ये करोगे, ये 48,000 और यहाँ पर 40,000 आ जाएगा। तो देखो 40,000, 48,000 और 60,000, 40,000, 48,000 और यहाँ पर आ जाएगा 60,000, हो गया। तो ये देखो तीनों तीन एक्सपेंडिचर एक साथ कंप्लीट हो गया, तीनों तीन में देखो एक जैसा ही होगा, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में देखो, कोई भी आप फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन देखोगे ना, तो दो या तीन एक्सपेंस के तो कैलकुलेशन एक जैसी ही होती है लगभग, ठीक है। मतलब अगर आपके सेमी वेरिएबल है, तो तीन चार सेमी वेरिएबल एक्सपेंस दे देंगे, तो सबकी कैलकुलेशन एक जैसी जाती। अब देखो यहाँ पर जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड है, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होगा आपकी कैलकुलेशन। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 84 है 100% का, और 72 है वो की जो कि है 80% का, ठीक है। 100% का 84 है और 72 है 80% का। अब यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज करेंगे हम, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं आपको नीचे शो करता हूँ, यहाँ पर देखो फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपके पास 100% और 80% का आंसर है, ओके। 100% का आंसर जो था वो 84,000 था, ठीक है, 84,000 था, एक सेकेंड, 84 और 72, ये 84,000 है और यहां पर 72,000। अब दोनों का जो डिफरेंस आता है ना वो 20% आता है, और ये जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट देता है हमेशा। मतलब 84 माइनस 72 करते हो तो आपको जो 12,000 का डिफरेंस आता है वो 20% वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस आया। मतलब ये ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो सिर्फ 20% का है। मुझे 100% का निकाल लेना, मुझे 100% का वेरिएबल कॉस्ट निकालना। तो हमारी क्या सिस्टम थी कि 12,000 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 20% से, ठीक है। तो 12,000 को अगर 20% से डिवाइड कर देते हो तो आपको मिल जाता है 60,000। तो 60,000 आपका 100% वेरिएबल कॉस्ट का आंसर आ गया। ये 100% वेरिएबल कॉस्ट हो तो आपका 60,000 होना चाहिए, 100% की लेवल पर आपका 60,000 का कॉस्ट होना चाहिए। अब देखो इसमें थोड़ा सा भी जो क्वेश्चन के अंदर जो चेंजेस है वो बहुत अच्छा है, जिसके कारण लास्ट ईयर जब ये क्वेश्चन पेपर पूछा था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ही मिस्टेक करके आए थे, ठीक है। पहला तीन लगभग बहुत सारे स्टूडेंट का सही था, यहाँ से मतलब प्रॉब्लम आ गई थी स्टूडेंट्स को। देखो आपके पास 100% लेवल है, ठीक है, फिर 80% लेवल है, फिर आपके पास 75% लेवल है, और फिर आपके पास 60% लेवल है, और फिर आपके पास 50% लेवल था। मतलब इतना आपको बजट बनाना था, ठीक है। उसमें से ऑलरेडी आपके पास 100 और 80% का टोटल कॉस्ट अवेलेबल था, ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल है। देखो इधर 84,000 था और इधर 72,000 था, ठीक है, ये तो आपके पास यहाँ पर ही दे रखा है। देखो अब इसके अंदर प्रॉब्लम था ये वेरिएबल कॉस्ट कितना, तो आपको 100% का वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पर मिल गया कि 100% का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 60,000। तो जो रिमेनिंग रह जाता है वो फिक्स कॉस्ट रह जाता है, तो 84 में से 60 निकल गया, तो 24,000 फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पर बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट 80% पर कितना हो सकता है, देखो 100% पे 60,000 है तो 80% पर कितना होगा, 48,000।
ठीक है, मतलब आप इसको हर एक परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर सकते हो. आपको 80% करना है तो 48,000 आ जाएगा इसका. आपको इसका 75% करना है, आपको इसका 60% करना है, और आपको इसका 50% करना है. जितना करना है वो आप करके आंसर निकाल सकते हो. इधर 30,000 आ सकता है, ठीक है, 60,000 का 50%, और यहाँ पर 36,000 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 45,000 आ जाएगा. मतलब यहाँ पर 45,000 का वेरिएबल कॉस्ट होना, यहाँ पर 36,000 का वेरिएबल कॉस्ट होना है, और यहाँ पर 30,000 का वेरिएबल कॉस्ट होना है. लेकिन आप लोगों में से मुझे कोई बता सकता है कि इसमें फिक्स कॉस्ट कितना होना चाहिए? देखो यहाँ पर 24 का दिख रहा है, आप डिफरेंस निकाल सकते हो. देखो 72 में से 80 मतलब 48 माइनस कर दो तो आपको जो रिमेनिंग रह जाएगा 24 हो जाएगा. अब यहां पर फिक्स कॉस्ट कितना, अगर आप 24 समझ रहे हो कि हाँ सर यहां पर 24 होगा तो गलत है. आप सोच रहे हो कि फिक्स कॉस्ट सेम होगा तो वो गलत सोच रहे हो. फिक्स कॉस्ट सेम होगा तो गलत सोच रहे हो, ठीक है. देखो अब यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट ईयर सेम यहाँ पर ही मिस्टेक की थी. अगर जिसको पता था उसने कर लिया था. जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ उसको पे फोकस करना. फिक्स ओवरहेड इंक्लूड सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर इंक्रीज बाय 20% आफ्टर 75% लेवल ऑफ प्रोडक्शन. मतलब समझना कि आपका जो फिक्स कॉस्ट है ना वो 20% इंक्रीज होता है. लेकिन कौन सी कैपेसिटी के बाद इंक्रीज होता है? 75% के बाद. मतलब समझो यहां पर जो फिक्स कॉस्ट होगा, यहां पर जो होगा और यहां पर जो होगा, फिर इसके बाद जो फिक्स कॉस्ट होगा ना वो 20% से इंक्रीज हो चुका होगा. इसका मतलब ये हो गया. उसने क्या बोला है कि ये जो लेवल है ना 75% वाला, उसको क्रॉस करते ही आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगा. ये उसने बोला है क्वेश्चन. अब पता है लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट का जब पेपर देखा तो या तो फिर मतलब पूछा कि क्या करके आया इसमें, तो एग्जैक्टली बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू ये आया कि बोलते कि सर इसमें से 20% कम कर दिया, जो कि रॉन्ग है. ये रॉन्ग है, मतलब ऐसा किया हो तो रॉन्ग है. आप जरा सोचो कि उसने क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि आपका फिक्स कॉस्ट जो है जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा काम करने का, वैसे वैसे आपका फिक्स कॉस्ट जैसे इधर की लिमिट क्रॉस होती है ये वाली लिमिट, तो उसके बाद यहाँ पर 20% बढ़ जाएगा. 20% यहाँ पर बढ़ जाता है ऐसा उसने बोला. तो आपको है ना इधर से ये अमाउंट निकालनी है. तो एग्जैक्टली आपको करना क्या पड़ेगा, 24,000 को 120% से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मतलब आपको मिलेगा 20,000. अब देखो 20,000 का 20% बढ़ा के देखो 24,000 आ जाएगा. तो मतलब ये बहुत सारे स्टूडेंट ने मतलब यहाँ पर गड़बड़ की थी. ये सब 20,000 ही होगा, फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, फिक्स कॉस्ट सेम रहता है. वो तो उसने बोला है 75% लेवल के बाद वो बढ़ेगा, इसीलिए बढ़ाया वो 20%, वरना तो वो भी मतलब 24-24 ही रहता. अगर वो नहीं लिखा होता क्वेश्चन के अंदर, वो 20% वाली बात नहीं लिखी होती ना, तो 24-24-24 सब में 24 ही होता. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने ये जो टॉपिक था वो अच्छा खासा मतलब स्टूडेंट को परेशान कर चुका था लास्ट. अब देखो वही चीज़ें, थोड़ी सी बेसिक की कैलकुलेशन, जैसे परसेंटेज की बेसिक कैलकुलेशन आपको आती हो तो फिर राइट कर सकते हो आप, ठीक है. तो चलो मैं इसको ठीक से यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है. क्या आपको क्या करना है, ये वैल्यू पर से ये वैल्यू पर आना है तो आपको इसको क्या करना है, 24,000 को 120% से डिवाइड कर देना, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है. अब ये जो सारे एक्सपेंस आ गए वो आप यहाँ पर लिख सकते हो आराम से. जैसे आपके पास यहाँ पर आया फैक्ट्री ओवरहेड और उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट. अब देखो आप सब जगह 20,000 लिख दो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपकी 20,000 ही थी. क्योंकि आप जो बजट बना रहे हो ना वो तो 75% से ज़्यादा जा ही नहीं रहा है,
उन लोगों ने जो बजट दे रखा है ना, क्वेश्चन के अंदर जो डेटा प्रेजेंटेशन दे रखा है वो 75% से क्रॉस कर चुका है, 80 और 100, इसीलिए वहां पर फिक्स कॉस्ट 24 दिख रहा है, यहां पर आपको फिक्स कॉस्ट 20 लिखना है। और वेरिएबल कॉस्ट भी यहां पर आ ही चुका है अपना, कितना था देखो, 45, 36 और 30, 45, 36 और यहां पर 30। ध्यान रखना कौन से परसेंटेज के सामने क्या अमाउंट लिख रहे हो, 50, 60 और 75। हो गया, अब ऐसे ही सेम काम करना है आपको। नेक्स्ट आपका जो कॉस्ट है ये रहा ऑफिस, ऑफिस 1,12,000 और 1,04,000, ओके 1,12,000 और 1,04,000 यहां पर लिख दूंगा ऑफिस ओवरहेड। चलिए यहां पर कैलकुलेशन कर देते हैं, देखो आपको 100% की जो वैल्यू है वो 1,12,000 दे रखी थी और 80% की जो वैल्यू है वो 1,04,000 दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर। आप इसका 20% डिफरेंस निकाल सकते हो, और आप इसका जो डिफरेंस निकालोगे 1,12,000 और 1,04,000, मतलब आपका 8,000 का डिफरेंस आएगा। ओके तो ये 8,000 का डिफरेंस आप यहां पर लिख दो, सॉरी 8 ही लिख दिया, ये 8,000 का डिफरेंस आ गया। ओके अब ये जो आंसर है उसको आप वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट कर दो 100% के, ठीक है 100% वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट कर दो। कैसे, देखो 8,000 डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 20%। 8,000 को 20% से डिवाइड करोगे तो दैट मीन्स कि आपको 40,000 का आंसर मिल जाएगा। अब वापस वही काम कर सकते हो, आपके पास परसेंटेज है 100% है, आपके पास 80% है, 75% है, आपके पास 60% है और आपके पास 50% है। यहां पर आपके पास टोटल कॉस्ट था कितना था, 1,12,000, 1,12,000 और 1,04,000। नाउ वेरिएबल कॉस्ट भी आपने निकाल लिया है 100% का, ये रहा 40,000। ओके तो फिक्स कॉस्ट आपको यहां पर मिल जाएगा 1,12,000 में से आप माइनस कर दो 40,000 तो आपको मिल जाएगा 72,000 का आंसर। अब देखो आपको चाहे उतना वेरिएबल कॉस्ट चाहिए उतना निकाल सकते हो, 80% का भी निकाल सकते हो, 75% का भी आप निकाल सकते हो, आप 60% का भी निकाल सकते हो और इसके ऊपर से आप 50% का भी निकाल सकते हो। ये आ जाने वाला है 20,000, ये 24,000 आ जाएगा, ये आपका 30,000 आ जाएगा और ये आपका 32,000 आ जाएगा। तो इधर 32,000 आप लेस कर दो, आप देखो 1,04,000 में से 32,000 लेस करोगे तो अभी भी 72,000 का लेवल आ रहा है। अब यहां पर भी वापस वही पॉइंट लगने वाला है कि इस लाइन के बाद आपका फिक्स कॉस्ट है ना 20% से बढ़ चुका होगा, बढ़ा नहीं है बढ़ चुका है, हमें वापस यहां से रिवर्स जाना है। तो यहां पर 72,000 को 120% से डिवाइड करना है तभी जाके यहाँ की 60,000 वैल्यू आएगी, और बाकी का तो यहाँ पर अवेलेबल है ही डेटा, ये रहा 30,000, 24,000 और ये आ गया 20,000 और ये सब जगह का 60-60 ही रहेगा। देखो एक जैसी कैलकुलेशन ही है, मतलब पहली कैलकुलेशन अगर करेक्ट हो जाती है ना स्टूडेंट्स की तो आगे की भी करेक्ट हो जाती है। यहाँ पर ही बहुत सारे स्टूडेंट गलत हो जाते हैं, मतलब क्या करते हैं कि एक कैलकुलेशन नहीं आती है तो पूरा क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो जाता है, उनको लगता है हम सब सही करके आए। ठीक है तो डिपेंड करता है कि आपकी एक ही कैलकुलेशन अगर रॉन्ग जाती है तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग ही जाता है। ठीक है क्योंकि अगर आप एक कैलकुलेशन ठीक से नहीं समझ पाए होंगे तो बाकी की कैलकुलेशन में क्या किया होगा, ऐसा तो नहीं है ना अचानक से मतलब फैक्ट्री वाला सही कर दिया होगा और ऑफिस वाला रॉन्ग किया होगा। वेरिएबल और यहाँ पर फिक्स्ड, ये फिक्स में 60,000 सब में
और यहां पर आपके पास 20,000 था, 24,000 आया था और यहां पर 30,000 था। ठीक है, हमने ऑलरेडी नीचे निकाल के रखा है, कैलकुलेशन करके ही रखी है, वहां से सीधा यहां पर लिख देना सेलिंग ओवरहेड। अब एक ही बाकी है सेलिंग ओवरहेड, उसमें भी सेम टॉपिक है। देखो बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर वाले को, बस स्टूडेंट थोड़ी सी कैलकुलेटिंग मिस्टेक ही करके आते। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आपकी बुक्स में सिमिलर मिल जाएगा, लेकिन उसमें कुछ और था। आप बुक्स में देखोगे ना तो वहां पर आपको 50-60 और ऐसा कुछ दिया है, और आपको 75% 80% और 100% का प्रोजेक्ट बनाना था, मतलब फ्लेक्सिबल बजट बनाना था। यहाँ पर उन लोगों ने 80-100 दे रखा है, और आपको जो क्वेश्चन में दे रखा था बुक्स के अंदर उसका आंसर मतलब आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया। क्वेश्चन सेम ही, अमाउंट भी शायद सेम है, ये 38 है और ये 34 है। चलो तो इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेलिंग ओवरहेड 100% पर 38 है और 80% पर 34 है। ओके, तो आपका जो डिफरेंस है वो 4000 हो गया 20% के हिसाब। ठीक है, तो यहां पर आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाना चाहिए 100% का, तो 4000 डिवाइड बाय 20%। ओके, तो चलो 4000 डिवाइड बाय 20% मतलब आपका आंसर आने वाला है 20,000। ओके, अब वापस आप मतलब सारी एक्टिविटी यहां पर लिख दो, 100% एक्टिविटी है, 80% एक्टिविटी है, 75% एक्टिविटी है, फिर मतलब 60% एक्टिविटी और 50% एक्टिविटी। इसका टोटल कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है 38,000, 34,000 और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट भी अवेलेबल है 20,000। तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा फिक्स कॉस्ट आपका 18,000 आएगा। ठीक है, अब आप इसका चाहे तो 80% कर लो तो ये 16,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर 16,000 तो ये रह गया वापस 18,000, माइनस करके चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये 75% करो तो ये 15,000 आने वाला, यहाँ पर ये 60% करो तो ये 12,000 आ सकता है, और ये 50% करो तो ये 10,000 आ जाए। मतलब देखो ये 15 हो गया, ये 12 हो गया और ये 10 हो गया, और यहाँ से आगे फिक्स कॉस्ट जो है वो 20% से बढ़ चुका है। ठीक है, ऐसी बात क्वेश्चन के अंदर लिखी है। तो यहाँ से अगर रिवर्स आते हैं तो 18,000 को 120% से डिवाइड कर, कितना हो जाएगा आपका आंसर 15,000। चेक कर लो, ये 15,000 आ गया। ठीक है, अब उसको वापस वहीं पे लिख दो। तो देखो आप देख रहे हो तीनों तीन कैलकुलेशन एक जैसी थी। ठीक है, मतलब अगर आप एक मतलब एक चीज आराम से सॉल्व कर सकते हो ना तो लगभग पूरा क्वेश्चन राइट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं फ्लेक्सिबल बजट में एक चीज की अगर गलती करते हैं ना तो बाकी सारी गलती कैरी फॉरवर्ड होती जाती है, मतलब वो दूसरे कैलकुलेशन में भी वही गलती किया होगा उन्होंने। चलो यहां पर वेरिएबल लिख देते और फिक्स लिख देते, फिक्स की बात करते 15,000, यहां पर भी 15 और यहां पर भी 15, ये 10 आ गया। यहाँ पर कितना था, ये 70-60 था ना, तो ये 12 आ गया और ये 15 आ गया। देन ये पूरा क्वेश्चन 100% फिनिश हो गया, आपकी कॉस्ट सारी आ गई। अब देखो यहाँ पर टोटल करने के बाद आपको मिलता है टोटल कॉस्ट। ओके, एक बार सबका टोटल फटाफट से कर सकते हो। देखो 80,000, 1,40,000, 30,000, 20,000, 20,000, 60,000, 10,000 और 15,000, 3,75,000।
आगे का टोटल कर लो, 96,000, 1,20,000, 48,000, 36,000, 20,000, 24,000, 60,000, 12,000 और 15,000. क्या आंसर आ रहा है? 4,31,000. आप लोग भी एक बार चेक कर लेना. यहां पर आ रहे 5,15,000. ओके, एकदम कंप्लीट. अब देखो, यहां पर आपको प्रॉफिट भी ऐड करना है. ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन छोड़ देना है, आपको प्रॉफिट भी ऐड करना है. ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट फाइंड करो और सेल्स भी फाइंड करो. अब देखो प्रॉफिट कैसे फाइंड करते, देखो ध्यान देना. यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक की है. ठीक है, देखो आपको यहां पर यह दे रखा है. देखो 50% लेवल के लिए पहली लाइन पढ़ो, 50% लेवल द टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, मतलब जितना 50% पर प्रोडक्शन होगा उसको 5,00,000 में बेच देंगे. मतलब आपके पास 50% का तो अमाउंट है ना, ये रहा, इसको 5,00,000 रुपए में आप बेच दोगे. मतलब यहां पर आपको सेल्स मिल गया 5,00,000. तो 5,00,000 में आप बेच रहे हो तो 3,75,000 में बना रहे हो. मतलब आपको बीच में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट का आंसर मिल जाएगा. ये आपका आंसर आया. लेकिन सर आगे का सेल्स कहां से लाएंगे? ठीक है, आगे का सेल्स कहां से लाएंगे? तो वो क्वेश्चन के अंदर है. आप क्वेश्चन की सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ो, सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन रीड करो, आपको मिल जाएगा वो भी जो आप ढूंढ रहे हो. ठीक है, तो क्या मिल रहा है देखो, पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है द एस्टिमेट दैट द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 5% आफ्टर 50% ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन. अब बहुत सारे स्टूडेंट ने यहां पर एक छोटी सी कॉमन सी मिस्टेक की है. ठीक है, देखो अगर इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट ने कई किया है तो वो गलत है. क्या सोचा पता है कि यहां से सेलिंग प्राइस 5% कम हो जाएगी. तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या किया पता, 5,00,000 का 5% कम करके वहां लिख दिया. अरे वो गलत है, ऐसा नहीं होता. उन लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि टोटल सेल्स 5% से कम करना. ठीक है, तो ऐसा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो. पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पर यह ढूंढना है कि यहां पर नॉर्मल सेल्स कितना आएगा. वो 5% वाला छोड़ो अभी, यहां पर नॉर्मल सेल्स कितना आएगा. आप देखते हो ना, तो ये जो सेल्स है ना वो 50% लेवल का है. यहां पर जो सेल्स आएगा वो 60% का आना चाहिए और यहां पर जो आना चाहिए वो 75% का आना चाहिए. आपके पास ऊपर उसकी लेवल है, देखो 50% लेवल, 60% लेवल और 75% लेवल. तो मतलब आपके पास 50% लेवल का 5,00,000 का सेल्स है. मतलब अगर आप 50% काम करते हो तो आपका टोटल सेल्स 5,00,000 है. तो आपको यहां पर एक एडिशनल कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी. देखो सेल्स में अगर आप 50% काम करते हो, 50% एक सेकेंड, अगर आप 50% काम करते हो तो आप 5,00,000 रुपए का सेल्स कर रहे हो. तो मतलब अगर आप 100% काम करते हो तो कितना सेल्स करोगे? तो 5,00,000 को डिवाइड कर दो 50% से, आपको अपना 100% का आंसर मिल जाएगा जो कि आएगा 10,00,000. अभी आपको जो काम करना है अभी आगे वो कौन से परसेंट पे करना है? आपको 60% लेवल पे बाकी है और आपका जो बाकी है वो एक 75% लेवल पर. तो 60% लेवल पर 6,00,000 का सेल्स होगा और इधर 7,50,000 का सेल्स होगा. लेकिन आपको बोला गया ना कि उधर 5% क्या होने वाली है, प्राइस रिड्यूस होने वाली है. तो 5% रिड्यूस कर देंगे और यहां पर भी 5% रिड्यूस कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है कि आफ्टर 50% लेवल सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 5%. तो आप अभी यहां पर रिड्यूस करोगे, 6,00,000 में से 5% कम कर दो तो आपका आंसर 5,70,000 आने वाला है. और 7,50,000 में से 5% कम कर दो तो यहां पर 7,12,500 आएगा. ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा. ठीक है, और उसको यहां पर से उठा के यहां पर रख दो. कितना आ रहा है? 5,70,000.
और यहां पर आपका 7,12,500 आंसर था, और माइनस कर दो 5,15,000 के साथ तो 1,97,500, और यहां पर 5,70,000 के साथ 4,31,000 माइनस करोगे तो 1,39,000 आपका यहां पर आंसर आएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, और सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कुछ भी नया नहीं है। आपके पहले तीन तो वेरिएबल हो गए थे, बाकी सेमी वेरिएबल थे, बाकी के तीन तो उसको हमने अलग अलग करके कैलकुलेशन कर लिया। पूरा 13 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, कैलकुलेशन भी आपको मैंने बता दी, और अपने हिसाब से और इसको बेटर करना चाहते हो, कैलकुलेशन को अपने ढंग से लिखना चाहते हो, लिख सकते, ठीक है। चलो ये तो मैंने आपको समझाने के पर्पज से जितना बताया वो सही है। अब आप आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि था ब्रेक इवन एनालिसिस का, ठीक है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते थे, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पर कि गणेश कंपनी करके है जिसका इंफॉर्मेशन आपको 2019 का दे के रखा है, 2019 का ब्रेक इवन सेल्स है, फिक्स कॉस्ट है और अर्न है, ये सब कुछ रुपीज में, ये भी ध्यान रखना, ओके। आपको पहले पूछा है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ओके। देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना इजी हो जाता है। आपको इसकी फॉर्मूला यूज करना, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अभी ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास है 80,000, फिक्स कॉस्ट है 32,000, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास है 80,000, फिक्स कॉस्ट है आपके पास 32,000, फिक्स कॉस्ट कितना है 32,000, तो यहां पर पीवी रेशियो की ही कमी है, तो पीवी रेशियो को सामने ले जाएंगे और 32,000 को 80,000 से डिवाइड कर देंगे, तो पीवी रेशियो का जो आंसर है, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर ये सोचते हैं कि सर यहां पर तो आंसर आ रहा है 0.4। अब आपको पता है पीवी रेशियो जो होता है वो परसेंटेज टर्म में होता है, तो इसको हम परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट कर दे तो इनटू 100 करना पड़ता है, तो ये 40% कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसको 40% कर सकते। आगे आंसर, ये पीवी रेशियो का आंसर था फर्स्ट पॉइंट का। सेल्स ऑफ ईयर 2019, अच्छा 2019 में कितना सेल्स किया होगा वो निकालना, तो देखो कितना अच्छा, मतलब सिंपल क्वेश्चन ही है, रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला यूज करते हो तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपका 32,000 है और क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट भी दे रखा है, देखो ना ये रहा अर्न प्रॉफिट 68,000, तो 68,000 का प्रॉफिट और डिवाइड करो पीवी रेशियो 40% से, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 32,000 प्लस 68,000 डिवाइड बाय 40%, मतलब आपका 2,50,000 आपका आंसर आ जाए। यह आपका फाइनल आंसर आ गया पॉइंट नंबर 2 का। उसके बाद आपको बोला है थर्ड नंबर में, इफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 20% फाइंड आउट द प्रॉफिट। अच्छा सेल्स इंक्रीज बाय 20%, मतलब ये जो आपने बेचा ना अभी, कितना बेचा आपने सेल्स 2,50,000 का, तो वो इंक्रीज हो रहा है, सेल्स इंक्रीज्ड बाय 20%, इसको ऐसे ले लो। तो आपने अभी जो सेल्स किया वो कितना किया, आपने जो अभी सेल्स किया है वो कितना किया, तो आपने अभी जो सेल्स किया वो 2,50,000 का किया है, मतलब जो आपका सेल्स है वो 2,50,000 है, उसमें आप 20% इंक्रीज कर रहे हो, मतलब 2,50,000 को 20% करते हो तो 50,000 आपका आंसर आ रहा है, और 50,000 इंक्रीज करके आपका आंसर हो जाता है 3,00,000, ये आपका न्यू सेल्स आ गया। अब यहां पर प्रॉफिट पूछा है कि ये 3,00,000 पे क्या प्रॉफिट आ सकता है, तो देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यहां पर इससे सॉल्व करने के, ठीक है, डायरेक्ट भी जा सकते हो, इनडायरेक्ट भी जा सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला से भी जा सकते हो, या तो पूरा स्टेटमेंट भी बना सकते हो। देखो ऐसे कि सेल्स आपका कितना है 3,00,000, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, अब देखो 40% आपका पीवी रेशियो है तो डेट मीन्स के 60% वेरिएबल कॉस्ट हो गया, मतलब 1,80,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, 3,00,000 का 60% करोगे तो
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा 1,20,000, और उसमें से फिक्स कॉस्ट अगर आप लेस कर देते हो तो 32,000 का फिक्स कॉस्ट है, तो आपको अपना प्रॉफिट का जो भी अमाउंट है वो मिल जाएगा, जो कि है 88,000। ओके, अब देखो ये तो मैंने बहुत घुमा फिरा के बताया, एक डायरेक्ट अप्रोच भी जा सकते हो, इससे बहुत बेटर है, आपको शायद एमसीक्यू या तो उसमें बहुत काम आता है ये। आपको मैंने बोला था जितने से प्रॉफिट, मतलब जितने से सेल्स बढ़ता है ना उतने से ही प्रॉफिट बढ़ेगा, सीधी बात है यार, ठीक है। अगर आप अभी तक अकाउंट्स को बहुत अच्छे से मतलब किया हो, टीवाई तक आ चुके हो, तो इतना तो मतलब सबको पता होता है कि जितने से आप सेल्स बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो यहां पर आपका इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज इन सेल्स, तो सीधी बात है ये जो 50,000 का यहां पर दिख रहा है ना वो इंक्रीज इन सेल्स है। तो प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा, तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, देखो 50,000 का सेल्स इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट कितना होने वाला, पीवी रेशियो 40% है, तो मतलब आपका 40% करो 50,000 का, 20,000 आएगा। तो देखो प्रॉफिट कितना होने वाला न्यू वाला, तो देखो पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखा है, ये रहा 68,000, मतलब प्रॉफिट आपका 68,000 होने वाला था, जिसमें अभी 20,000 क्या होने वाला, इंक्रीज होने वाला। तो बस आपका न्यू प्रॉफिट 88,000 होना चाहिए, और वो हो भी रहा है, देखो ऐसे डायरेक्ट भी जा सकते हो, डायरेक्ट भी सोच सकते हो, जितने से सेल्स बढ़ेगा उतने से मतलब पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करो उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, बस काम खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। अब उसमें देखो तीन पॉइंट पूछा गया, ए बी सी। पहले क्या बोला, प्रेजेंट सेलिंग्स जो है, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी रिड्यूस करनी है 20% से, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। चलो तो उसका फोर्थ नंबर यहां पर कैलकुलेट करते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी प्रेजेंट सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी, तो यहां पर हम सपोज करेंगे, सपोज सेलिंग प्राइस 100, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो सकती है 60, वो तो क्वेश्चन में बता दिया ना, क्योंकि वो 40% क्या आया था आपका, पीवी रेशियो आया था 40% पीवी रेशियो, दैट मीन्स के 60% क्या हो जाता है, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो आ जाता है। अभी आपको क्या बोला है, सेलिंग प्राइस क्या करनी थी, उसने रिड्यूस करनी थी ना कि इंक्रीज करनी थी। देखो एक सेकेंड यहां पर देखो, रिड्यूस पूछा है 20% से, तो 100 रुपये का जो आपने एज्यूम किया ना सेलिंग प्राइस को, उसको 20% से रिड्यूस कर लो, यहां पर 20% से रिड्यूस कर लो, मतलब ये 80 हो जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं करना, इसको एज इट इज रहने दो, 60 का 60 और ये आ जाएगा 20, और इसको डिवाइड करके न्यू पीवी निकाल लो, क्या आने वाला है, न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय न्यू सेलिंग प्राइस, एक सेकेंड, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स प्राइस इंटू 100, तो 20 को 80 से डिवाइड करके इंटू 100 करोगे तो आपको मिलेगा 25%, ठीक है। पहला काम हो गया जो उन्होंने पूछा है ए के अंदर, देखो यहां पर शायद ए के अंदर यही पूछा था, ये रहा। फिर बोला न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, ओके तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, तो देखो आपके पास फिक्स कॉस्ट था 32,000, तो यहां पर न्यू ब्रेक इवन पॉइंट भी आ सकता है, ए यहां पर बी, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट सीधी बात है रुपीज में ही निकलेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो 32,000 डिवाइड बाय 25%, तो 32,000 डिवाइड बाय 25% मतलब कि आपका आंसर रुपीज में 1,28,000 आ सकता है। और सी लास्ट पॉइंट क्या पूछा था, पूछा यह है कि सेल्स टू अर्न 100% मोर प्रॉफिट देन अचीव्ड इन ईयर 2019, मतलब 2019 में जो प्रॉफिट किया था ना इसका 100% ज्यादा प्रॉफिट करना है, इसका 100% ज्यादा प्रॉफिट करना है, मतलब दूसरा 68,000 ऐड कर लो उसके अंदर, 100% का मतलब वही हो गया, वापस वही ऐड हो जाएगा।
ठीक है, मतलब प्रॉफिट 2019 में हुआ था 68,000, उनको चाहिए 100% मोर प्रॉफिट, तो वही हो गया 68, फिर से ऐड कर लो, क्योंकि 100% 68 का मतलब करोगे तो आपको न्यू प्रॉफिट रिक्वायर है 1,36,000, ये प्रॉफिट है आपको रिक्वायर। अब यहां पर आप अपनी फॉर्मूला यूज कर लो, क्या फॉर्मूला थी रिक्वायर सेल्स की, फॉर्मूला क्या थी, फिक्स कॉस्ट प्लस क्या था प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट 32,000 और प्रॉफिट है 136,000 और यहां पर आप 25% से डिवाइड कर लो, तो देखो 32,000 प्लस 136,000 डिवाइड बाय 25% मतलब 6,72,000 आपका आंसर आ सकता है, रुपीज में आएगा, ये रुपीज में आएगा। ओके सिंपल, आप देखो ब्रेक इवन पॉइंट का तो लगभग आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने आपको शायद ब्रेक इवन पॉइंट के ए टू जेड क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है, हमने पूरी बुक्स का क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, अभी जो पेपर है उसके क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, अभी मतलब अभी आपका 2019 का पेपर है उसके भी मतलब कुछ अच्छे खासे ब्रेक इवन पॉइंट के वहाँ पर क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे, तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पॉइंट 100% आपका हो जाएगा। चलिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर ये जो बाकी रह जाता है फिफ्थ पॉइंट, क्या बोला, इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, अच्छा अभी इंक्रीज की बात आई, एंड ये देयर इज अ लॉस ऑफ 10,000 देन फाइंड आउट सेल्स, ओके, क्या आपकी जो सेलिंग प्राइस थी वो आपने 20% से इंक्रीज करनी है, अभी आपने डिक्रीज करके तो देख लिया, इंक्रीज करके भी देख लो अभी। चलो फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज्ड इन सेलिंग प्राइस बाय 20%। अब देखो आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी है, तो सेलिंग प्राइस है 100, वेरिएबल कॉस्ट कितना सपोज कर सकते हैं, ये 60, ये 40 आ जाएगा, ये तो मतलब आप देखो अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी और इंक्रीज डिक्रीज का बोलते हैं तो इसी हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है, और तो कोई चांस नहीं है, ठीक है, सेलिंग प्राइस लाएंगे कहाँ से, और इसको कम करना है या इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है मतलब 120 हो जाएगा, और ये 60 का 60 यहाँ पर माइनस करने के बाद जो न्यू कंट्रीब्यूशन आएगा वो भी आपका 60 आ गया। अब इसको डिवाइड करके आपको न्यू पीवी रेशियो निकालना, क्या आने वाला है, 60 को 120 से डिवाइड कर लो इनटू 100 मतलब आपको 50% मिल जाएगा, और आपको रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला यूज करनी है, क्योंकि आपको अब इस बार क्वेश्चन में लॉस पूछा है, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस पूछा है, डिवाइड बाय क्या आना चाहिए पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट 32,000, लॉस पूछा है 10,000 का क्वेश्चन के अंदर, और 50% आपका पीवी रेशियो मतलब 44,000 रुपीस, यस बिल्कुल 44,000 आपका सेल्स आ जाएगा, मतलब आप 44,000 का सेल्स करोगे तब जाके आपका ये लॉस होगा पॉसिबल, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन बाकी है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप ही है, देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हेतल लिमिटेड, अच्छा हेतल लिमिटेड का आपको कुछ डिटेल्स दे रखे हैं, जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और फिक्स कॉस्ट, फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट, एक्चुअल सेल्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर और वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर, रिक्वायर सेल्स, ओके यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी मतलब मिसप्रिंट में कट गया है, टैक्स 50%, यहाँ पर 50% टैक्स, चलो ना मैं पूरा लिख देता हूं, टैक्स रेट 50%, ठीक है टैक्स रेट जो है वो 50% है यहां पर, ओके तो ये 6 पॉइंट के आपको 6 मार्क्स दे रखे हैं यहां पर,
स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। देखो सबसे पहला ब्रेक इवन पॉइंट है। अब देखो आपको यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो एक चीज ध्यान से यहाँ पर पहले देख के ही लिख दो। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज आपको दे रखा है 25%, तो मतलब आपका ब्रेक इवन पॉइंट का जो परसेंटेज हो जाएगा ना वो 75% हो जाएगा, क्योंकि मिला के दोनों का 100 होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में पीवी रेशियो दे रखा है 40%, तो पीवी रेशियो का मतलब वेरिएबल कॉस्ट आपको मिल सकता है 60%, क्योंकि ये दोनों को मिला के भी 100 होना है, ठीक है। पहले ये निकाल के रख दो ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब देखो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है, ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, तो कितना अच्छा है। देखो यहां पर आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आप पीवी रेशियो करते थे, फिक्स कॉस्ट आपके पास 30,000 है और पीवी रेशियो आपके पास है 40%, तो 30,000 का 40% करोगे तो मतलब आपका क्या हो जाएगा 75,000 रुपीज आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। और ये जो आया ना वो सेल्स होता है, ये 100% जो है वो क्या है, सेल्स है, ये 100% है वो सेल्स है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या बोला, एक्चुअल सेल्स फाइंड करना है। अब देखो एक्चुअल सेल्स कैसे फाइंड करना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, देखो सीधा सीधा मिल जाएगा। आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो 75% है, तो आपका सेल्स कितना परसेंट है, 100%। इसका मतलब देखो आपके पास जो सेल्स होगा उसका 75% करने से क्या मिलना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स मिलना चाहिए। ये आपको मतलब क्वेश्चन के अंदर क्लियर कट दे रखा था, ठीक है। मार्जिन सेफ्टी 25 था ना, उससे पता चल जाता है ब्रेक इवन पॉइंट 75% होगा। तो आपको यहां पर सेल्स ही नहीं पता, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट 75,000 था, तो ये 75% को सामने लेके जाओ तो डिवाइड हो जाएगा ना 75%, तो सेल्स का आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा 1,00,000 रुपये। ये भी आपका आंसर आ गया। देखो दूसरा बोला गया एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब देखो आपके पास सेल्स आ गया, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज है, आपके पास फिक्स कॉस्ट है, आप प्रॉफिट निकाल सकते हो आराम से, दो दो तीन तीन तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हो। देखो आपके पास सेल्स है 1,00,000, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर सकते हो जो कि 60% है, ये रहा क्वेश्चन में ही दे रखा, ठीक है, हमने निकाल लिया था क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब ये 60,000 हो गया, 40,000 40,000 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर दो। कितना था फिक्स कॉस्ट, तो ऊपर ये रहा फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा है, देखो 30,000 था, तो जो रिमेनिंग है वो 10,000 आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लो खत्म। अब चलो इस तरीके से नहीं निकालना, तो आप दूसरे तरीके से भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है कि देखो आपके पास यहाँ पर 75,000 का क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट था, आपके पास सेल्स कितना था 1,00,000 था, तो मार्जिन सेफ्टी कितना हो गया, बीच में डिफरेंस कितना है 25,000 का, तो मार्जिन सेफ्टी पे आप कितना परसेंट कर लो, पीवी रेशियो 40%, तो भी आपको प्रॉफिट मिल जाता। यहां पर आपके पास फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर। देखो सिंपल सा है कि चौथे पॉइंट के अंदर आपको पूछा है वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट बोला गया है तो सेल्स का कितना परसेंट है, 60% है, ऐसा यहां पर लिखा है, ये रहा सेल्स का 60%, तो आपके पास जो सेल्स है वो है 1,00,000, और 1,00,000 का 60%। देखो वैसे तो यहाँ पर ही मैंने निकाल के रख दिया था, लेकिन अभी उन लोगों ने अलग से पूछा है तो मैंने कैलकुलेशन बता दी, वैसे यहाँ पर ही निकाल के रख दिया। और यहाँ पर बोला है रिक्वायर सेल्स टू अर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30,000। अब देखो ये आफ्टर टैक्स का जो प्रॉफिट है ना उसको पहले बिफोर टैक्स करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप जब फॉर्मूला लिखते हो ना इस टाइप की, जैसे रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला आप लिखते हो ना यहाँ पर ऐसे के फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या करते हो, पीवी रेशियो,
तो ये जब फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो यहां पर जो प्रॉफिट होता है ना वो ऑलवेज बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट होता है। अगर आपको आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दिया है तो उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। जैसे आपको आफ्टर टैक्स का जो प्रॉफिट है वो कितना दे रखा है, 30,000 दे रखा है, और आपको पता है टैक्स रेट जो है वो आपको 50% दे रखा है, तो आपको बिफोर टैक्स करना है, बिफोर टैक्स प्रॉफिट तो कितना होना चाहिए, सोचो कितना होना चाहिए। 30,000 आपका आफ्टर टैक्स है, तो 100 में से आप 50% माइनस कर दो तो आपका बिफोर टैक्स का प्रॉफिट 60,000 होगा। अब आप यहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि 50% माइनस हुआ था तो 50% ऐड कर दो, ठीक है, गलती से भी ये मत करना, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा है कि क्वेश्चन में 50% टैक्स रेट है, इसलिए सीधा सीधा पता चल जाता है कि 60,000 कमाओगे तो 50% टैक्स भरोगे, तो 60,000 का 50% मतलब 30,000 टैक्स में चला गया, बच गया 30,000, ठीक है। मतलब ये तो बहुत बार आ चुका आपको, एसवाई में भी आता था ये तो। अब आपके पास फिक्स कॉस्ट था 30,000 और प्रॉफिट की जो रिक्वायरमेंट थी वो अभी 60,000 आ गई, तो यहाँ पर 60,000 को लेके आप डिवाइड कर लो, आपका पीवी रेशियो कितना था, आई थिंक 40% था, तो 90,000 डिवाइड बाय 40% करते हो तो आपको यहाँ पर अपना सेल्स का आंसर मिल जाएगा 2,25,000, ठीक है, सिंपल। और एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर रह जाता है, If a selling price is reduced by 10% then find out new break even point। पता नहीं ये मतलब यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा पॉइंट लगता है, हर क्वेश्चन में डाल के रखते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन में ये डाल के रखते हैं कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%, तो यहां पर सेलिंग प्राइस ही तो नहीं है, तो सेलिंग प्राइस वापस कितनी एज्यूम कर ले, 100, और वेरिएबल कॉस्ट वापस कितना था इस क्वेश्चन में भी 60 है, तो ये 40 क्या हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसको उसने कितना परसेंट कम करने का बोला है, 10%, तो ये 90 हो जाएगा, इसको कुछ नहीं बोला तो एज इट इज रहने दो और ये 30 हो जाएगा। अब इसका न्यू पीवी रेशियो निकाल लो, क्या होने वाला है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100, मतलब आप 30 को 90 से डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 33 1/3%। और उसने क्या बोला था, न्यू क्या निकालना था, ब्रेक इवन पॉइंट, ओके, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, तो ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर निकाल लेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना था आपकी, 30,000, आपका 30,000 है फिक्स कॉस्ट पूरे क्वेश्चन में, और 33 1/3%, मतलब देखो आप 33 और 33 पूरा लो कैलकुलेटर पर, ठीक है, तभी जाके आपको एकदम परफेक्ट आंसर मिलेगा, कितना, 90,000, ठीक है, 90,000 आपको आंसर मिलना चाहिए अपना रुपीस में। जब भी डिवाइड करो तो 30,000 को 33.33% से सिर्फ मत करना, ठीक है, आप पूरा 33 लो तो आपको एकदम परफेक्ट आंसर मिलेगा 90,000, ठीक है, वरना आंसर तो देखो वैसे 90,000 मिलेगा लेकिन फिर पॉइंट में आंसर आएगा, उसके बाद पॉइंट भी दिखेगा आपको अगर आप सिर्फ 33.33 लेते हो, वैसे आंसर सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखो ये 6 पॉइंट के आपको 6 मार्क्स यहाँ पर थे, ठीक है, सिंपल सारे पॉइंट थे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, उसको भी कंप्लीट कर ही देते, अभी 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। देखो यहाँ पर आपके पास एक 10 लाख का मतलब सेल्स है, यहाँ पर मार्जिन सेफ्टी और यहाँ पर पीवी रेशियो आपके पास अवेलेबल है, ओके, यहां पर भी देखो वही काम कर लो जो आपने ऊपर क्वेश्चन में किया था, ठीक है, यहां पर भी आप वही काम कर लो 2018 के लिए कि आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यस बिल्कुल, 25%, तो इसका रिवर्स फॉर्म जो है मतलब इसको अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहते हो तो 75% होगा, तो आपका सेल्स होगा 100%, ये निकाल, ओके, और पीवी रेशियो जो है वो आपके पास है 40%, तो सीधी बात है वेरिएबल कॉस्ट जो है आपके पास हो जाएगा 60% और ये आपका हो जाएगा 100, ठीक है, ये आपका सेल्स हो गया।
ये पहले लिख दो, 2018 की बात करो अभी, देखो 2019 के लिए ही सब कुछ यहां पर पूछा है, लेकिन आप सिर्फ 2019 पे फोकस नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। जब तक आपको 2018 की बहुत सारी डिटेल नहीं मिल सकती, तब तक आप 2019 का काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2018 से आपको 2019 में जाना है, तो देखो एक कौन से वे से जा सकते हो वो देखना ध्यान से। आपको पूछा यहां पर 2019 में क्या है वो देखो, 2019 में क्या पूछा है वो देखो, डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट आर ओनली चेंज। मतलब क्या हो गया इसका कि 2019 में देखो तीन चीज होती है, एक तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब कि यूनिट्स, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा होता है आपका फिक्स कॉस्ट। अब यहां पर क्वेश्चन में यह बोला है कि सेलिंग प्राइस चेंज होने वाली है और फिक्स कॉस्ट भी चेंज होने वाला है। देखो क्लियर कट लिखा है, डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस ओके सेल्स और डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, दोनों डिक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है वो हमको आइडिया ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि कितना डिक्रीज होगा। तो चलो ये तो बात फिक्स हो गई कि सेलिंग प्राइस कम होगी तो सेल्स भी कम हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा, ये भी उन लोगों ने बोल दिया। मतलब इन दोनों का तो फिक्स हो गया कि ये दोनों चेंज होने वाले एज कंपेयर टू 2018 में जो होगा उसके कंपेयर में ये दोनों बदल जाएंगे। लेकिन क्या 2018 के कंपेयर में 2019 में क्या सेम रहने वाला है, क्या दोनों में सेम क्या रहने वाला है? एक तो वेरिएबल कॉस्ट और एक वॉल्यूम, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो हम अज्यूम करेंगे कि वॉल्यूम और वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, दो जो 2018 में था वो 2019 में था। अब वॉल्यूम की बात क्वेश्चन में हो नहीं सकती क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम कहीं पर दिख नहीं रहा है आपको, वॉल्यूम मतलब के यूनिट्स, कहीं पर क्वेश्चन में यूनिट्स है आपके पास 2018 में? नहीं है। क्या मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। कैसे, मतलब कोई आइडिया ही नहीं लगेगी, कैसे मिल सकते, कुछ भी नहीं मिल सकते। तो ओनली वन क्लू, आपके पास सिर्फ एक ही हिंट है कि वेरिएबल कॉस्ट जो 2018 में होगी ना स्टूडेंट्स, वही 2019 में होगी। ये बात से यहां पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 2019 में आपको थोड़ा सा चेंज किया है उन लोगों ने, देखो वेरिएबल कॉस्ट और मतलब पीवी रेशियो और मार्जिन सेफ्टी को चेंज कर दिया है उन लोगों ने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करूँ तो उन्होंने 40% लिखा है, तो सीधी बात है ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। और यहाँ पर जो पीवी रेशियो था उन लोगों ने 25% दिया है, तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 75% हो जाए। अब देखो हमने अभी तक मतलब इतना मतलब कुछ देखा कि ये वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो दोनों साल में सेम रहने वाली, 2018 में भी और 2019 में भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं 2018 के साल की, निकाल सकते हैं आराम से। देखो 10 लाख का सेल्स है और वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है, 60%। बस यही काम था, इसका ही जरूरत था। 10 लाख का वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। एक सेकंड, मैं ना 2018 की जो चीज है वो मैं ब्लू से लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा जब पढ़ोगे तब समझ में आए। वेरिएबल कॉस्ट 2018 का 10 लाख का सेल्स है, उसको 60% करने से आपको मिल जाता है 6 लाख। अब ये जो 6 लाख का वेरिएबल कॉस्ट आया, वही वेरिएबल कॉस्ट आपका 2019 में सेम एज इट इज रहने वाला है, 6 लाख का 6 लाख। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोला है, डायरेक्टली नहीं बोला। अगर डायरेक्टली बोलते तो हर कोई समझ जाता और हर कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, ठीक है। उन लोगों ने इनडायरेक्टली बोला कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ बोला ओनली चेंज। ये ओनली चेंज का मतलब क्या हो जाता है, उन्होंने जो बोला उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ है 2018 के 2019 में अंदर। तो यहां पर अब देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखो कैसे।
यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है 2019 में, 2019 का वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है 75%। ओके, मतलब देखो समझो कि सेल्स जो है उसका 75% करने से आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलता है 2019 का, और 2019 का वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख, और आपको निकालना है उसका सेल्स। तो ये 75% को सामने लेके जाओ, डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ गया कितना 8 लाख। ये आपका 8 लाख का क्या आ गया, सेल्स आ गया। और पूछा क्या था, 2019 का सेल्स ही पूछा था, देखो उसने पहला ही पॉइंट। अब पूछा फिक्स कॉस्ट, अब पूछा है फिक्स कॉस्ट, कहां से लेके आओगे फिक्स कॉस्ट, है कोई आइडिया फिक्स कॉस्ट कहां से लेके आओगे? देखो ब्रेक इवन पॉइंट दिख रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट दिख रहा है ना, हाँ आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिख रहा है, जो कि सेल्स का कितना परसेंट होगा 60% होगा, ऐसा यहां पर दिख रहा है। तो आपका 8 लाख के सेल्स का 60% करते हो तो कितना आता है 4,80,000। और अभी ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला को अप्लाई कर दो, ये आपका फॉर्मूला आ गया, और यहां पर 4,80,000 का ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट नहीं है, वही ढूंढना है। पीवी रेशियो ये रहा, दे रखा है 25%, ये 25% करो और सामने ले जाओ, 4,80,000 को 25% करो, 1,20,000 आ जाएगा, ये आपका फिक्स कॉस्ट आ गया। और सेकंड तो वही पूछा था फिक्स कॉस्ट, यस सेकंड फिक्स कॉस्ट पूछा, अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट भी पूछा है, वो भी आ गया, चलो वो तो फ्री का आ गया। और प्रॉफिट, प्रॉफिट पूछा है, तो देखो सेल्स है, ब्रेक इवन पॉइंट से आपको फिक्स कॉस्ट मिल गया, तो प्रॉफिट तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है चलो तो प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। आपके पास सेल्स आ गया 8 लाख, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गया है जो कि कितना परसेंट था, परसेंटेज छोड़ो 6 लाख ही था, ये रहा 2 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। ओके, और फिक्स कॉस्ट कितना था, तो फिक्स कॉस्ट 1,20,000 आ गया, जो रिमेनिंग रहता है वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा रह जाता है। चलो ये बात बन गई, पूरे क्वेश्चन का 6 मार्क्स आ गया, ठीक है। तो देखो यहां पर सिर्फ एक ही क्लू, मतलब आपको एक साल से दूसरे साल के जाने के लिए सिर्फ वो वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे ना, यूनिवर्सिटी ने बदल बदल के इतनी बार पूछा है ना, कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। आप देखोगे कि ये क्वेश्चन पास्ट ईयर के पेपर में जब पूछा था, तो 2018 की भी कोई चीजें मतलब फाइंड करने के लिए पूछी है, मतलब कभी कभी 2018 का भी पूछते, मतलब 2018 के भी 2-3 डिटेल पूछ लेते। यहां पर उन लोगों ने सारी डिटेल्स 2019 की पूछी, तो स्टूडेंट क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते कि यार 2018 का थोड़ा बहुत पूछा होता तो वो भी चलो निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर तो पूरा 2019 का पूछा और अमाउंट 2018 में दिख रही है, करे तो क्या करे। तो वो मैंने जो क्लू बताया ना कि वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू जा सकते, वो एक यहाँ से कंप्लीट हो सकता है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये आपका फुल 2 पेपर कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 पेपर आपको कंप्लीट करवा दिए, ओके, और आप अपने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, ओके। तो आपको यहाँ पर 2 पेपर कंप्लीट हो गए आपके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोई नए पेपर के साथ। गुड बाय, टेक केयर।